इस वीडियो में एक सेटिंग बताने वाला हूं आपको कि यहां पर इस सेटिंग को इस्तेमाल करते ही आपका जो डेटा है वो तो ऑन रहेगा, लेकिन आपका जो व्हाट्सएप का डेटा है ना वो ऑफ हो जाने वाला है। जी हाँ, ये काफी लोगों का क्वेरीज होता है कि कैसे हम अपने व्हाट्सएप को ऑफ रखें और बाकी जो भी हमें इंटरनेट यूज करना है वो सारा इंटरनेट हम एक्सेस कर सके। ठीक है, तो ये वाला सेटिंग आज बताने वाला हूं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक जरूर देखना है। तो देखो, इससे अच्छे से बताने के लिए यहां पर मैंने एक मोबाइल भी ले लिया ताकि जो कुछ भी करूंगा आपके सामने लाइव करूंगा, सब कुछ आप देख सको। ठीक है, अभी यहां पर देखो, जैसे मैं ये वाला मोबाइल से इसमें मैसेज कर रहा हूं, जैसे हाय, तो देखो मैसेज हमें रिसीव हो रहा है, यानी कि अभी मैंने सेटिंग को ऑन ही नहीं किया है। एंड यहां पर देखो, जो भी मैसेज में लिख रहा हूं जैसे हाय हेलो, वो सारा मैसेज यहां पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वो सेटिंग को हमें ऑन कैसे करना है। तो यहां पर सिंपली देख लो उस सेटिंग को आपको कैसे ऑन करना है, कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहां पर सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप को ओपन करके यहां पर दिखा दे रहा हूं। जो कुछ भी मैंने यहां पर मैसेज किया वो इसी वाले व्हाट्सएप में ही मैंने किया है। यहां पर देखो, जैसे मैंने ओपन कर रहा हूं एंड यहां पर जो कुछ भी आपके सामने मैंने लिखा हाय हेलो, सब कुछ यहां पर आ चुका है। ठीक है, अब चलो जानते हैं कि वो सेटिंग कौन सा है, कैसे आपको उसको यूज करना है। तो सिंपली आपको देखो अपने मोबाइल के सेटिंग में आ जाना है, इस तरीके से आप सेटिंग में टैप करोगे। ठीक है, एंड उसके बाद यहां पर आपको थोड़ी से नीचे आना है। नीचे आपको यहां पर एक सेटिंग मिलेगा, देख पा रहे हो, बैटरी एंड परफॉर्मेंस के नाम से। तो यहां पर आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है, राइट। एंड देखो, उसके बाद यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। नीचे आओगे तो यहां पर आपको व्हाट्सएप फाइंड कर लेना है। तो यहां पर देखो, जो हमारा व्हाट्सएप है वो इस तरीके से आ रहा है, तो आप बस यहां पर इसमें सिंपली क्लिक करोगे। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा यहां पर। तो देखो, नीचे हमें यहां पर एक डिटेल्स का जो ऑप्शन मिलता है ना, आप देखो यहां पर इसे ऐप में भी जाकर सिंपली यूज कर सकते हो। आपको जो ऐप मैनेजमेंट होता है उसमें भी आप, मतलब आपको बस सिंपली अपना व्हाट्सएप के इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो यहां पर जैसे मैंने आई में क्लिक किया, जो भी डिटेल्स आ जाता है, देख पा रहे हो यहां पर ये जो ऐप इन्फो है ना वो यहां पर सिंपली ओपन हो जाता है। अब देखो, यहां पर जो सेटिंग वो आपको कैसे ऑन करना है एंड किन सेटिंग को ध्यान में रखना है। तो यहां पर देखो, आपको रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज का जो ऑप्शन मिलता है, देख पा रहे हो यहां पर मैं फोकस कर रहा हूं, यहां पर जो ऑप्शन मिलता है, आप यहां पर देख पा रहे हो जो वाईफाई और यहां पर मोबाइल डेटा यहां पर दिखाई दे रहा है, आप बस इन दोनों को सिंपली अभी ऑफ करोगे। ठीक है, अब देखो यहां से आप भाग मत जाना, यहां पर कंप्लीट वीडियो देखो तभी पता चलेगा ये एक्चुअली में वर्क करता कैसे है। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया, अब उसके बाद देखो यहां पर जो भी कुछ भी आपका रिसेंट ऐप होगा सब क्लोज कर देना एंड बिल्कुल फ्रेश अभी मोबाइल। अब यहां पर चलो दिखाता हूं आपको कि हमने जो ऑफ किया वो सेटिंग यहां पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो यहां पर जैसे मैंने ये वाला मोबाइल ले लिया एंड चलो अब यहां पर मैसेज करता हूं। एंड यहां पर देखो, इस वाले मोबाइल में मेरा डेटा वगैरह सब ऑन है। एंड यहां पर देखो, जैसे मैं मैसेज कर रहा हूं हाय, एंड देख पा रहे हो यहां पर हाय नहीं गया, यानी कि बस सिंगल टिक ही आप देख पा रहे हो यहां पर, सिंगल टिक है। एंड ऊपर वाला देखो, आपको डबल टिक मिला था, लेकिन आप यहां पर जो कुछ भी आप मैसेज करेगा, आपके फ्रेंड या कोई भी अगर आपको मैसेज करेगा ना, तो यहां पर देख पा रहे हो मैसेज इस तरीके से जाएगा एंड उसे लगेगा कि आपका जो इंटरनेट ही ऑफ है, आपने डेटा को ऑन ही नहीं किया। यहां पर देखो, आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा इस तरीके से, यू मे हैव न्यू मैसेज। तो आप जैसे इसमें टैप करोगे, लेकिन फिर भी यहां पर आपका व्हाट्सएप में जो डेटा एक्सेस मिलेगा ही नहीं। एंड चलो यहां पर मैं इसे ओपन करके दिखा दे रहा हूं। तो देखो, यहां पर जो कुछ भी मैंने मैसेज को भेजा है ना, वो सारा मैसेज यहां पर आ ही नहीं रहा है। एंड अगेन यहां पर एक मैसेज करके आपको दिखा रहा हूं। तो यहां पर देखो, जो भी मैसेज मैं यहां पर भेज रहा हूं, यहां पर कुछ मैसेज रिसीव नहीं हो रहा है, बस हमारा व्हाट्सएप यहां पर सिंपली ऑफ हो चुका है। एंड यहां पर आपको ये नोटिफिकेशन शो होता रहेगा कि आपके पास एक मैसेज आ रहा है। तो चलो अब यहां पर बात कर लेते कि आपको कैसे चेक करना होगा। फिर आप जो कुछ भी अपने यहां पर देखो, जैसे मैं इस वाले मोबाइल से भी अगर मैसेज करना चाहूंगा ना, तो वो भी मैसेज यहां पर नहीं जाने वाला, क्योंकि यहां से इंटरनेट कनेक्शन ही मैंने हटा दिया जो मैंने अभी सेटिंग किया था। एंड उसके बाद यहां पर आप जो भी यूज करना चाहो, लाइक अपने व्हाट्सएप के छोड़कर अपने यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को या किसी भी चीज को आप सिंपली इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आपको व्हाट्सएप में जो एक्सेस नहीं मिलेगा एंड डेटा कनेक्शन नहीं रहेगा। अब देखो, आपने इंटरनेट अपना चला लिया, जो कुछ भी आपको करना था वो सब कुछ आपने कर लिया। अब आप चाहते हो कि अपने इंटरनेट कनेक्शन व्हाट्सएप की ऑन करो, तो उसे कैसे करना है? तो सिंपली व्हाट्सएप को इस तरीके से होल्ड करके रखना कुछ समय तक, एंड उसके बाद यहाँ पर जो आई मैंने बताया था ना, बस ऐप इन्फो में आपको चले जाना है इस तरीके से। एंड चलो यहाँ पर हम ऐप इन्फो में चलते हैं। एंड यहाँ पर जो हमने ऑफ किया था, बस यहाँ पर इसे आपको ऑन कर देना है। देख पा रहे हो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट डाटा यूजेज जो है, टैप करके यहाँ पर सिंपली इन दोनों को यहाँ पर आपको टैप करके ऑन कर देना है। एंड चलो यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो कुछ भी मैंने मैसेज किया था या फिर आपको कोई भी अगर मैसेज किया, वो मैसेज सब रिसीव होगा या नहीं होगा, चलो यहां पर दिखा देता हूं आपको। तो यहां पर देखो, जैसे मैंने सेटिंग को ऑन कर दिया, यहां पर अब जैसे ही मैं यहां पर व्हाट्सएप को ओपन करूंगा ना, तो यहां पर देखो सारा मैसेज यहां पर टिक हो चुका है, डबल टिक, एंड जो मैसेज है वो सारा रिसीव भी हो चुका है, यानी कि आपका मैसेज कहीं भी जाने नहीं वाला है, वो होल्ड होकर रहेगा। जैसे आपका कनेक्शन मिलेगा सारा मैसेज आ जाने वाला है। एंड यहां पर आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने मैसेज किया वो मैसेज अब रिसीव हो रहा है। एंड यहां से आप भी चाहो तो आप यहां पर सिंपली मैसेज को कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, व्हाट्सएप में काफी सारे नए नए फीचर आया हुआ है, जिनमें से 5 फीचर मैंने बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो इस वाले वीडियो को क्लिक करके देख लेना, बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट फीचर है। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।